ये टेक्सचर हम लोग कैसे क्रिएट किए इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है, बट आज हम सीखने वाले कि उसे एनिमेट कैसे करें। तो एनिमेट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर इंस्पेक्टर में जाने के बाद पोजीशन के ऊपर एक की फ्रेम दे देना है स्टार्टिंग पोजीशन में। उसके बाद में आपको 2 से 3 फ्रेम्स आगे जाना है। सिंपल एरो का आप यूज़ कर सकते हो, जो कीबोर्ड के ऊपर एरोज होते हैं उसको क्लिक करिए, 2 से 3 फ्रेम्स यहाँ से हम आगे जाएंगे और सिंपल यहाँ पर एक और एक की फ्रेम दे देंगे। इतना करने के बाद सिंपल आपको फिर से एक फ्रेम आगे जाना है और यहाँ से इसको ऐसे मूवमेंट को करना है। तो यहाँ पर हमारा एक अपने आप एक की फ्रेम आ चुका है। फिर से आपको 2 से 3 फ्रेम्स आगे जाना है और एक की फ्रेम दे रहे हैं। फिर आपको यहाँ पर एक फ्रेम आगे जाने से पहले इसको आपको थोड़ा सा पोजीशन को चेंज करना है। ये चेंज किया, ओके। इतना करने के बाद यहाँ पर अपने आप एक की फ्रेम आ चुका है। फिर एक फ्रेम आगे जाना है और यहाँ पर एक की फ्रेम देना है। बस इस प्रोसेस को आपको 3 से 4 बार करना है। पूरे इस वीडियो को देने के लिए 3 से 4 ही बार आपको करना है। उसके बाद आगे क्या प्रोसेस करना है मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखिए 3 से 4 फ्रेम आगे गए और यहाँ पे आपने यहाँ पे हमने एक की फ्रेम दे दिया। फिर एक फ्रेम आगे गए और यहाँ पे एक और की फ्रेम हमने यहाँ पर दे दिया। तो सिंपल ऐसे ही आपको करना है। ये 3 से 4 बार हमने यहाँ पे कर रहा। अब इतना करने से हमारा एनिमेशन यहाँ पर हो चुका है, बट हमारे वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी है। तो हमने इसे क्या करना है, सिंपल यहाँ पर एक आपको की फ्रेम वाला ऑप्शन मिल रहा है, जो टेक्स्चर हमने जिसके ऊपर हमने अभी एक की फ्रेम्स लगाया है, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है। सिंपल इसको क्लिक करने से आपकी पोजीशन एक्स के सारे की फ्रेम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल ऑल करके भी कर सकते हैं या फिर आप ड्रैग करके इसको सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेना है। फिर आपको लास्ट वाले फ्रेम तक जाके कंट्रोल वी करके इसे पेस्ट करना है। अब सेम प्रोसेस को आपको दोहराना है। यहाँ पर आप इसे कंट्रोल वी करके पेस्ट करते जाइए, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। फिर से हमें इसे पूरा कॉपी करके एक ही बार में कंट्रोल वी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये आपके पूरे वीडियो की लेंथ के हिसाब से यहाँ पर आ चुका है। अभी हम इसे अगर प्ले करके देखते हैं तो हमारा वीडियो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर एनिमेट हो चुका है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, जरूर से लाइक के बटन को क्लिक कर देना और चैनल पर बने रहने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।